मैं निशा TNX TV में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोरोना एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर सभी के मन में डर बैठा हुआ है। यही कारण है कि 85,000 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस के चपेट में आज पूरा विश्व है। इस वायरस से निपटना हर देश के लिए चुनौती बन चुका है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हर देश कुछ न कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लोग हर जगह पर इकट्ठा ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस वायरस के चपेट में ईरान भी है। ईरान में अभी तक करीब 15,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 800 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। ईरान में जेलों में भी बड़ी संख्या में कैदी बंद थे। कहीं इन कैदियों में कोरोना का संक्रमण ना फैल जाए, उससे पहले ईरान सरकार ने 17 मार्च 2020 की सुबह ही करीब 85,000 कैदियों को रिहा कर दिया। ईरान सरकार ने इन कैदियों को स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी तौर पर रिहा किया है। जेलों में बंद कैदियों में कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो इसके लिए 10 मार्च को ही संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने ईरान सरकार से कैदियों की रिहाई की मांग की थी। बता दें कि ईरान दुनिया का तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण है। इतना ही नहीं, कोरोना से यहां 800 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस लिस्ट में इटली उसके ऊपर और चीन सबसे ऊपर है। अब पता नहीं कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। कोरोना से डरने की नहीं सावधानी बरतने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। कोरोना को लेकर और भी अपडेट्स हम आपको अपने अगले वीडियो में देते रहेंगे।